जय माता दी फ्रेंड्स। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से माँ मंगला गौरी का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। भक्तों, ये थी माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। अगर आप जानना चाहते हैं माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन इत्यादि कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। माता रानी के इस परिवार से जुड़े रहने के लिए माता रानी के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। जय माता दी, जय मां मंगला गौरी।